हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिवर्स सिलोलिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड, क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं और उसके क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन्स रहते हैं। जैसे कि पहली स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल ए आर बी, तो इसका पॉसिबल कंक्लूजन क्या रहेगा? तो इसका पॉसिबल कंक्लूजन रहेगा सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए। इसके तीन जो है पॉसिबल कंक्लूजन रहेंगे। ये तीनों कैसे आए हैं और कैसे ये कंक्लूजन आ रहे हैं, इसके लिए आप मैंने इसका बेसिक्स का जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है सिलोलिज्म का बेसिक कंसेप्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है सम बी इज सी, तो इसका क्या मतलब हुआ? सम बी इज सी, तो इसके पॉसिबल कंक्लूजन क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। इसके जो पॉसिबल कंक्लूजन रहेंगे वो रहेंगे सम सी इज बी, सम बी इज नॉट सी, सम सी इज नॉट बी, ऑल बी आर सी इज पॉसिबल और ऑल बी मे बी सी। लास्ट कंक्लूजन रहेगा इसका ऑल सी आर बी इज पॉसिबल। तो ये पांच इसके जो है पॉसिबल कंक्लूजन रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी स्टेटमेंट नो सी इज डी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सी हमारा क्या है? डी नहीं है। नो सी इज डी, इसके पॉसिबल कंक्लूजन देख लेते क्या रहेंगे। के जो पॉसिबल कंक्लूजन वो रहेंगे नो डी इज सी, सम सी आर नॉट डी, सम डी आर नॉट सी, ऑल सी कैन नेवर बी डी एंड ऑल डी कैन नेवर बी सी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हमने जो अभी स्टेटमेंट्स के हमने तीनों को कंबाइन कर दिया, ऑल ए आर बी मतलब हुआ ऑल ए आर बी, सम बी आर सी एंड नो सी इज डी। तो हम देख लेते हैं कि इसके जो है पॉसिबल कंक्लूजन क्या रहेंगे। इसके जो पॉसिबल कंक्लूजन रहेंगे वो ये 13 जो कंक्लूजन में लिखे हुए ये रहेंगे, जैसे नो डी इज सी, सम सी आर नॉट डी, सम डी आर नॉट सी, सम ए आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, ऑल ए आर सी इज पॉसिबल, नो ए इज डी इज पॉसिबल, नो बी इज डी इज पॉसिबल, सम ए आर डी इज पॉसिबल, सम बी आर डी इज पॉसिबल,
ऑल बी कैन नेवर बी डी, और 12th कंक्लूजन रहेगा इसका सम ए आर डी और नो ए इज डी, और लास्ट रहेगा सम बी आर डी और नो बी इज डी। फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कंक्लूजन दिए हैं, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हमने स्टेटमेंट्स को चेक करके आंसर देना है। तो विदाउट वेन डायग्राम आप इनको सॉल्व कर सकते हो विद एलिमिनेशन मेथड। तो रूल क्या बोलता है हमारा, जैसे कि फ्रेंड्स हमने ऊपर किया अभी, जैसे कि आप देखिए, अगर हमारे पास देखिए स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन भी सारे के सारे ये देखिए नेगेटिव रहेंगे। ऐसे अगर हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहते हैं। देखिए ये नो सी इज डी है तो सारे के सारे कंक्लूजन भी हमारे पास नेगेटिव हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो कंक्लूजन भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। देखिए ऑल ए कैन नेवर बी बी, सेकंड कंक्लूजन है एनी ए विच इज डी इज ऑल्सो सी। तो हम स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से मतलब एलिमिनेट करते हम जाएंगे, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ए इज डी, और देखिए ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या बोल रहा है कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो ये बोल रहा है सम ए इज बी, मतलब ये क्या हो गया हमारी गलत हो गया, जो ए स्टेटमेंट है हमारी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। नेक्स्ट देखते हैं सम ए आर डी ऑल ए आर सी नो बी इज डी, ये हमें लग रहा है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं नो ए इज सी, देखिए एनी ए विच इज डी इज ऑल्सो सी, तो ये बोल रहा है नो ए इज सी, तो ये भी क्या होगी हमारे पास गलत होगी स्टेटमेंट। ऑल ए आर सी सम सी आर डी नो डी इज बी, मतलब बी और डी में से लग रहा है, अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा है। देखिए सम ए आर डी मतलब ए का कुछ हिस्सा डी है, ऑल ए आर सी और सारा के सारा ए जो है वो सी है, नो बी इज डी। तो ए का अगर कुछ हिस्सा डी है तो ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट है दूसरी ये बिल्कुल सही है कि अगर कुछ हिस्सा ए का डी है तो ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो सारा की सारा ए जो है वो बी नहीं हो सकता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट डी चेक करते हैं, ऑल ए आर सी सारा की सारा ए सी है, सम सी आर डी और कुछ सी जो है वो डी है, नो डी इज बी। यहाँ देखिए ए और डी के बीच में हमें कोई, ए और जो है बी के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो ये जो है क्या है गलत है कंक्लूजन। तो आंसर रहेगा इसका बी, जैसे कि मैं वेन डायग्राम से भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। जैसे हम इसकी बनाते हैं सम ए आर डी, तो सम ए आर डी, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं ऑल ए आर सी, तो सारा की सारा जो ए है वो क्या है सी है, नो बी इज डी। अब देखिए नो बी इज डी, तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या बोल रहा है ऑल ए कैन नेवर बी बी, क्योंकि ए का हिस्सा किस में है, कुछ हिस्सा डी में है, सारा एक सारा जो ए है कैन नेवर बी बी, तो ये ट्रू हो रहा है यहाँ से। अब देखिए मैं अब डी का डायग्राम बनाते हैं, डी का देखिए ऑल ए आर सी,
ऑल ए आर सी। सम सी आर डी, तो सम सी आर डी, नो डी इज बी। देखिए ए और बी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता जिससे कि हमें ये मिले ऑल ए कैन नेवर बी बी। फर्स्ट कंक्लूजन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हमारा। यहाँ पर देखिए ये बी हो भी ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, ये गलत हो गए और ये क्या है सही है। तो बिना वेन डायग्राम के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पॉसिबल कंक्लूजन्स पता हैं सबके जो कि मैंने अभी पीछे बताए हैं आपको, और जो बेसिक्स का इसका सिरिलिज्म का मैंने वीडियो डाला है उसको आप उसमें आप ये सारा कुछ अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एटलीस्ट सम ए मे बी सी। एटलीस्ट सम का मतलब भी सम ही होता है, वेरी फ्यू का मतलब भी सम ही होता है, और मे बी का मतलब भी ये सम ही रहेगा, मतलब सम ए आर सी। ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बोल रही है कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी एंड नो ए इज डी। तो फर्स्ट हमें लग रही है, इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरी देखते हैं, ऑल ए आर बी, नो सी इज बी। तो देखिए ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बोल रहा है नो सी इज बी, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। दूसरा सी देखते हैं, नो सी इज ए, तो ये बोल रहा है एटलीस्ट सम ए मे बी सी, तो ये बोल रहा है नो सी इज ए, तो ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं डी, ऑल ए आर बी, सम ए आर डी, नो डी इज सी। देखिए ये भी हमें लग रहा है, तब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा सही है। अब आप देखिए सम ए आर बी, सम बी आर सी, मतलब कि एक ये हमारी जो एक ट्रेन बन रही है, जैसे कि सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, फिर बी का कुछ हिस्सा क्या है सी है, और ऑल सी आर डी, ठीक है, नो ए इज डी। तो यहां पर देखिए ए और सी में जो है पॉसिबल रिलेशन नहीं बन रहा है। नीचे देखते हैं, ऑल ए आर बी, अब आप देखिए ऑल मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनेगी, ऑल ए आर सॉरी ऑल ए आर बी दिया हुआ, सम ए आर क्या डी, और उसके बाद बोल रहा है नो डी इज सी। तो देखिए इसमें हमारे दोनों कंक्लूजन जो है ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, एटलीस्ट सम ए मे बी सी, सम ए मे बी सी, और ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। इस डायग्राम को देखिए हम ऐसे भी बना सकते हैं,
ये डायग्राम देखो ऐसे भी बन सकता है, तो मतलब हमारे दोनों कंक्लूजन जो है यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। तो इस तरह से विदाउट वैन डायग्राम के भी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए वैन डायग्राम यहाँ पर बनाया है, आप विदाउट वैन डायग्राम इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल के लिए, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें।